नमस्कार, GBN24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ओडिशा के राउरकेला में एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग युवती के साथ पिछले 2 सालों से यौन शोषण हो रहा था। चौंकाने वाली बात है कि घिनौनी घातक करने वाला कोई और नहीं बल्कि पीड़िता के पिता का दोस्त है। बता दें कि नाबालिग युवती के परिजनों ने रघुनाथपरी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर उसने अपने परिवार से इस बारे में शिकायत की तो वो उसे जान से मार देगा। पुलिस ने बताया कि नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था। बता दें कि आरोपी की पहचान सिविल टाउनशिप निवासी राजेश श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो नाबालिग द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद से फरार है। आरोपी पहले भी कई अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है। राउरकेला के पुलिस अधीक्षक नितेश वाधवानी के मुताबिक पीड़िता की उम्र 17 साल 5 महीने है। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पीड़िता के परिजन ने होश उड़ गए। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उनका करीबी रिश्तेदार 2 सालों से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था, और जैसे ही उन्हें इस मामले का पता चला उन्होंने शनिवार को रघुनाथपरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल आरोपी फरार है। बता दें कि रघुनाथपरी पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एफआईआर के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई है। बता दें कि पुलिस टीम को आगे की जांच के लिए राज्य से बाहर भी भेजा गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस के चंगुल में आरोपी कब तक गिरफ्त होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GBN24।